देखिए, एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी कि 90 के दशक का बाहुबली अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहता है। कल ही अशोक महतो ने शादी रचा ली। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचा है। अशोक महतो को चुनाव लड़ने की मंशा थी, लेकिन जिस तरीके का अतीत अशोक महतो का रहा है, ऐसे में कोई भी पार्टी अशोक महतो को अपना उम्मीदवार बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और इसीलिए अशोक महतो की तरफ से प्लान बी पर काम किया गया। अशोक महतो ने कल ही शादी रचा ली है और अब आज राबड़ी आवास पर पत्नी को लेकर पहुंचे हैं अशोक महतो। अशोक महतो चाहते हैं मुंगेर से ललन सिंह की जो सीट है, वहां से वो चुनाव मैदान में उतरे, और अगर खुद नहीं तो फिर पत्नी को कम से कम टिकट दिलवाया जाए। इसीलिए आनन फानन में ये शादी जो अशोक महतो ने की है, कल ही शादी हुई है। दिल्ली की रहने वाली है अनीता, जिनसे अशोक महतो ने शादी की है, और शादी करने के बाद अब पहुंच गए बिहार राबड़ी आवास पर मुलाकात करने के लिए आरजेडी के नेतृत्व से। आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे मैं शो लेकर आती हूं आपके लिए, चुनाव की सबसे विश्वसनीय खबरें जिसमें होती है ऐलाने जंग। सोमवार को ही ये खबर मैंने आपको बताई थी कि अशोक महतो 90 के दशक में जिसका दबदबा चलता था बिहार में, वही अशोक महतो अब जेल से बाहर आने के बाद चुनाव लड़ने की फिराक में है। मुंगेर सीट से आरजेडी का प्रत्याशी बनना चाहता है, लेकिन आरजेडी ने अशोक महतो के बैकग्राउंड की वजह से कहीं ना कहीं हाथ खींचे हुए हैं, और ऐसे में अशोक महतो प्लान बी पर काम कर सकता है। तो वही प्लान बी अशोक महतो ने दिल्ली में अनीता से शादी रचाई, बिहार पहुंच गए हैं दिल्ली की रहने वाली अनीता, जिनसे अशोक महतो ने शादी रचाई। प्रणाम भैया, भैया प्रणाम। अशोक जी, क्या भगवान जब मंदिर में जाता तो अशोक जी भगवान सबको आशीर्वाद। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, आरजेडी को दिक्कत होती है अशोक महतो को टिकट देने में, लेकिन अब तो शादी करके पत्नी को लेकर गए हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए आरजेडी से। टिकट मिलने का आशीर्वाद मिला क्या आरजेडी नेतृत्व से? तो शायद ऐसे ही दिनों के लिए ऐसे फ्रेम बनाए गए थे कि मैरिज और टिकट, ये जो शादी के करने के पीछे जो मकसद है वो टिकट पाना था। तो जो टिकट है वो लगभग कंफर्म है मुंगेर सीट से, तभी वो मिलने पहुंचे हैं राबड़ी आवास पर। लालू और तेजस्वी दोनों मौजूद हैं और दोनों से इनकी मुलाकात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी जो सिवान में अजय सिंह जो बाहुबली थे उन्हें टिकट जेडीयू नहीं देना चाह रही थी, उनकी पत्नी सविता सिंह को दी गई टिकट, और वो भी तब जब वो शादी करके आए थे, जब तक टिकट नहीं मिला था उसके पहले वो कुंवारे थे और फिर शादी की और तुरंत, यानी चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत है। तो बिहार में भी ये लगातार बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चट मंगनी पट ब्याह, 55 साल के अशोक महतो शादी कर लिए उन्होंने, राबड़ी आवास पर मौजूद हैं, और जिस तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार दे रहे थे, नए जोड़े को आशीर्वाद के तौर पर मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट आरजेडी थमाने की तैयारी में। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन बेहद खुश नजर आ रहे थे। अशोक महतो अपने चुनावी प्लान के बारे में क्या कहते सुनाई दिए, जरा ये देखिए। जनता का जो पुकार है था, इसी के पुकार के कारण हम शादी किए, और शादी कर करके पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किस पार्टी प्रयासरत है, ऐसे लालटेन से आरजेडी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पत्नी को लड़ाएंगे। जीवन की शुरुआत है तो सब अच्छा ही लग रहा है, सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, मोहब्बत है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी, जो होगा अच्छा ही होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए शादी वाला दाव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।